Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Hum Jammu and Kashmir ki history for the competitive examination like JKSSB and JKPSC jo hai wo pad rahe the. Humne Jammu and Kashmir ki history ke related humne sources of history ko dekh liya, humne Karkota dynasty ko pad liya, Utpalaj dynasty ko pad liya aur Gupta vansh ko padha. और उसके बाद हमारे पास आता है लोहारा डायनेस्टी और लोहारा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है 1003 से लेकर 1320 तक है, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइड की गई है। तो कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर को पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल होम एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें खाली हिस्ट्री नहीं बल्कि और कंटेंट भी, दूसरे सब्जेक्ट भी जो है वो पढ़ाए जाते हैं। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि आप जानते हैं ज्योग्राफी और जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें चेंजेस आई है, जहां हिस्ट्री में आई है वहीं ज्योग्राफी में भी आई है। तो वो चेंजेस जो है अपडेटेड चेंजेस के साथ जो है वीडियोस अपलोड की जाएगी। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में कारकोता डायनेस्टी के बारे में। कारकोता डायनेस्टी के बारे में के बाद हमने पढ़ा उत्पालास डायनेस्टी के बारे में और इनके रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट जो है किंग्स थे, कौन कौन से जो है राजा महाराजा इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और लास्ट में हम पढ़े थे गुप्ता रूल के बारे में और क्यूनदीदा के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आपको हमारी वीडियोज जो है वो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये कंटेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप हमारी वीडियोस को जो है लाइक कीजिए, अपने लव्ड वंस के साथ जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाए। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही आपको जो है हमारी नई वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। आज हमने पढ़ना है लोहारा डायनेस्टी के बारे में। लोहारा डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ये जो क्वीन दीदा है इनकी डेथ हो जाती है, कब होती है 1003 में। और क्वीन दीदा जो थी ये गुप्त एक्चुअली में ये लोहारा डायनेस्टी के जो किंग थे उन्हीं की बेटी थी जिसने शादी की थी शेम गुप्ता से। तो एज हर चिल्ड्रन है डाइड यंग और इसी के जो इनके जो लड़के थे अभिमन्यु जो है उनकी जो डेथ हो जाती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अपना जो क्राउन है वो किसे पहनाती है, उसके बाद जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जो है मार देती है, ठीक है, उनको मरवा देती है। और लास्ट पे जब उनकी कोई भी जो है उनकी जनरेशन का नहीं बचता है तो ये अपने मरने के बाद जो अपना क्राउन जो है किसको ट्रांसमिटेड कर देती है संग्राम राजा को। और यही संग्राम राजा जो है ये कौन थे, ये इनके जो है भाई, जो इनका भाई था क्वीन दीदा का जो भाई था उसका नाम था उदयराज। ये उदयराज का जो है वो बेटा था संग्राम राजा और संग्राम राजा को जो है ये किंग जो है ये जो है ट्रांसमिट कर देती है पावर और उसे किंग बनाती है। और यही जो है उदयराज जो है ये कहाँ का रूलर था, लोहारा का। और लोहारा कौन सी जगह थी, प्रेजेंट डे पुंछ को जो है वो लोहारा कहा जाता था। तो इतना जो है हम पढ़ चुके थे। तो अब हम बात करेंगे संग्राम राजा की, लोहारा डायनेस्टी की को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो अभी रहेगा वो संग्राम राजा होगा। तो संग्राम राजा वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी। संग्राम राजा जो था वो पहला रूलर था, किसका पहला रूलर था, लोहारा डायनेस्टी का। बट यहाँ पर बात याद रहे ओरिजिनल जो फाउंडर था लोहारा डायनेस्टी का वो कौन थी, वो क्वीन दीदा थी, क्योंकि ये लोहारा डायनेस्टी की ही थी, इसकी शादी जो हुई थी गुप्ता के शेम गुप्ता से हुई थी। लेकिन ये तभी से जो है पूरा का पूरा जो है वो कंट्रोल कर रही थी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वीन दीदा के बारे में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर याद रहे आपको जो संग्राम राजा है, संग्राम राजा वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी, लेकिन एक्चुअल फाउंडर माना जाता है क्वीन दीदा को। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही कहा इसका जो टाइम पीरियड है ये दो टाइम में डिवाइड है। तो पहला जो है 1003 से लेकर 1320 तक जो है माना जाता है लोहारा डायनेस्टी का पीरियड।
और इसी की कैपिटल की अगर बात करेंगे, लोहारा डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ थी, तो वो थी श्रीनगर। और लोहारा जो डायनेस्टी जो थी, ये जो थी, ये किस ट्राइब्स की थे, ये जो इनका बैकग्राउंड था, द लोहारा डायनेस्टी वर द हिंदू रूलर्स। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो हिंदू वंश के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो लोहारा डायनेस्टी वर द हिंदू रूलर्स ऑफ कश्मीर, और ये किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, खासा ट्राइब। तो याद रहे आपको किस ट्राइब से जो है ये बिलोंग करते थे, उस ट्राइब का नाम क्या है, खासा ट्राइब। तो यहाँ पर जो एम्परर रह चुके हैं उनके बारे में भी अब हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से एम्परर थे। तो यहाँ पर जो संग्राम राजा है, जो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा संग्राम राजा के बारे में, इनका जो टाइम पीरियड है 1003 से लेकर 1028 तक जो है इन्होंने शासन किया। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सुहादेव, जिन्होंने 1301 से लेकर 1320 तक जो है वो शासन किया। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो भी लोहारा डायनेस्टी के बारे में जाना है, वो हमने कल्हाना की बुक राज तरंगनी से जाना है। तो राज तरंगनी जो है वो सोर्स है किसका, लोहारा डायनेस्टी का, और जहां पर हमको कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू द लोहारा डायनेस्टी। कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट किंग है, कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट रूलर है, ये यहाँ पर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हमें सारे रूलर जो है वो याद करने की जरूरत नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को ही याद करेंगे और ये उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में जो है वो डेट का एरर भी हो सकता है, क्योंकि डेट मैच नहीं होती, क्योंकि हमारे पास एक ही जो है सोर्स है, उसी को हम ऑथेंटिक सोर्स मान के चले हैं। तो यहाँ पर जो आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स अगर देखेंगे हिस्ट्री की, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर फर्क मिलेगा। तो हमने जो है इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में ही जानना है, उन्हीं के बारे में। तो पहला इम्पोर्टेंट रूलर, जैसे कि अभी हमने जाना संग्रामा राजा जो थे वो इम्पोर्टेंट रूलर थे, वो उनका रूल जो चला 1003 से लेकर 1028 तक चला। और इनके बाद उन्हीं के बेटे अवंता आते हैं, इनसे पहले इनके दूसरे बेटे आते थे बट उनका जो है ड्यूरेशन बड़ा कम रहा, और उनके बाद अवंता आते हैं। फिर चलता है रूल कलासा का, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है हर्षा है। हर्षा क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल जो है वो रूलर रहे, ये जो है इनका जो रिलीजन था वो हिंदुज्म था, लेकिन इन्होंने जो है टेम्पल्स को जो है वो तोड़वाया, टेम्पल जो है उनको डिमोलिश किया हर्षा ने। तो ये कश्मीर हिस्ट्री में एक कंट्रोवर्सल भी रहे। और इन्हीं के बाद इनके भाई जो है उचाला का शासन भी रहा, और उनके बाद जो है जया सीमा का भी रहा। और जया सीमा जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके टाइम में जो कुछ ऐसी बातें हुई थी जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है। और इनके बाद जो है वनिता देवा भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो फिर हमारे पास जो है इसी को लोहारा डायनेस्टी को बुक्स में जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यहाँ से यहाँ तक लोहारा डायनेस्टी लिखा है, और फिर लिखा गया है हिंदू रूल। इसमें जो है ज्यादातर जो है वीक रूलर रहे थे। और इनके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं जो रिचाना है, और इन्हीं के बाद जो है कोटा रानी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, जहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है जिन जिन के बारे में हमें पढ़ना है। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोहारा डायनेस्टी को। तो संग्रामा राजा के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो शासन रहा, यहाँ पर जो है लोहारा डायनेस्टी का पीरियड जो माना जाता है, यहाँ पर जो है करप्शन बहुत ज्यादा थी, इनजस्टिस बहुत ज्यादा था, लड़ाइयाँ कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो संग्रामा राजा जो है उसे कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी। बट हम ये जानते हैं जो संग्रामा था, इनको जो ताज मिला वो क्वीन दीदा ने दिया, जो कि इनकी जो है वो आंटी थी। तो क्वीन दीदा को जो है रियल फाउंडर माना जाता है। तो संग्रामा जो थे ये पहले से जानते थे जो जो पॉलिसीज थी क्वीन दीदा की। तो ही वाज द क्वीन दीदाज नेफ्यू, क्या थे, क्वीन दीदा के जो है नेफ्यू थे, भाई के बेटे थे। और ये सारी की सारी पॉलिसी जो भी क्वीन दीदा ने बनाई थी, उन पॉलिसी से जो थे ये बखूबी वाकिफ थे। और इन्होंने जो है जो लास्ट इयर्स में जो पॉलिसीज बनाई थी क्वीन दीदा ने जो है ऑलरेडी इनसे जो है वो शेयर की हुई थी, इनको उनके रिलेटेड अवेयरनेस थी। और इसी टाइम जो है जब संग्रामा राजा जो है वो राजा बनते हैं, उस टाइम जो है मोहम्मद
गजनी जो थे, और उनका जो है आक्रमण हिंदुस्तान पे होता है। कहा जाता है कि इन्होंने 17 टाइम्स जो है आक्रमण किया हिंदुस्तान पे, और उसी टाइम जो है कश्मीर पे भी जो है माना जाता है कि आक्रमण हो रहा था, लेकिन जो है महमूद गजनी जो थे उनसे डिफेंड किया संग्राम राजा ने। तो ही सपोर्टेड जो है इन्होंने साथ में ही जो भी हिंदूज रूलर थे उस टाइम के उन्हें जो है सपोर्ट किया और अपनी आर्मी जो है उन्हें दी। एंड विद द आर्मी अंडर द मिनिस्टर ऑफ टूंगा, जो मिनिस्टर जो थे दीदा, जो क्वीन दीदा थी, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी कहा था कि क्वीन दीदा ने इन्हें जो है तुंगा को जो है जो कि एक शेफर्ड थे उन्हें अपना जो है मिनिस्टर बनाया था। और यहाँ पर जो है आगे संग्राम राजा के टाइम में भी ये मिनिस्टर थे। तो ही सपोर्टेड, संग्राम राजा ने सपोर्ट की हिंदूज को अगेंस्ट द महमूद गजनी, जब महमूद गजनी जो है आक्रमण कर रहा था, विद एन आर्मी, अपनी आर्मी प्रोवाइड की अंडर द मिनिस्टर ऑफ टूंगा, जो वो उस टाइम के इनके मिनिस्टर थे। और यहीं पर जो है कश्मीर वाज मेट विद द अटैक 2 टाइम्स, यहाँ पर जो है 2 टाइम जो है अटैक किया गया, लेकिन जो है संग्रामा राजा ने जो है उसे डिफेंड किया अगेंस्ट द गजनी। तो उसे जो है वो डिफेंड किया, उस अटैक को जो है इन्होंने दोनों टाइम जो है वो डिफेंड किया। इनके बाद जो है संग्रामा राजा जो है 1028 में जो है इनकी डेथ होती है, और इनके बाद इन्हीं के बेटे जो है अवंता देवा जो है वो राजा बनते हैं। अब अवंता देवा से पहले भी इनके भाई जो है वो राजा बने, और उनके बाद जो है इनका टाइम पीरियड बहुत कम रहा, तो उनके बाद जो भी रूलर रहे वो बहुत वीक रहे। तो यहीं पर देखते हैं अवंता जो थे, अवंता देवा 1028 से 1076 तक इन्होंने शासन किया। अब जो टूंगा प्राइम मिनिस्टर इनके थे, इनके रिलेटिव जो है पहले ही जो उस टाइम के हमने कहा था पहले ही जो लैंडलॉर्ड थे वो बहुत ही नाराज थे क्वीन दीदा से कि इनको जो है आपने अपॉइंट क्यों किया। अब जब तुंगा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इन्होंने बहुत से करप्ट ऑफिशियल्स को जो है की पोजीशन दे दी, और उस तरीके से इन्होंने बहुत सी वेल्थ जो है वो एक्सट्रैक्ट की। तो तुंगा प्राइम मिनिस्टर हु अपॉइंटेड मेनी ऑफ द करप्ट ऑफिशियल, बहुत से करप्ट ऑफिशियल को जो है इन्होंने अपॉइंट किया, हु प्रोसीडेड टू एक्सट्रैक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ, जिन्होंने जो है बहुत ज्यादा जो है वेल्थ जो है वो कलेक्ट की। उस टाइम में जो है करप्शन बहुत ज्यादा थी, लोग यहाँ पर जो है अपनी वेल्थ जो है मिनिस्टर जमा कर रहे थे फ्रॉम द किंगडम से, सब्जेक्ट किंगडम से जो है अपनी वेल्थ जो है जमा कर रहे थे। और इसी को देखते हुए जो है अवंता जो था उन्होंने जो एक पॉलिसी बनाई जिसके तहत उन्होंने जो है अपने मिनिस्टर का जो है वो मर्डर करवा दिया गया। तो तुंगा वॉज मर्डर इज डेथ कास्ट बाय एन इन्फ्लुएंस ऑफ द रॉयल फेवरेटिस। तो जब इनका मर्डर करा दिया गया तो भी हालात जो है फिर भी सुधरे नहीं। तो यहाँ पर जो है हालात सुधरे नहीं, वो क्यों नहीं सुधरे, वो मिनिस्टर जो वो करप्ट ऑफिशियल थे जिनको इसने अपॉइंट किया हुआ था वो बहुत ही जो है वो नाराज हुए। और जब उन्हें पता चला कि इनका जो है वो मर्डर हुआ है, तो यहाँ पर जो है रॉयल फेवरेटिस थे जो कि सपोर्ट करते थे, किससे सपोर्ट करते थे, मिनिस्टर को जो है वो सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने जो है ये सारे के सारे जो थे वो करप्ट थे, और इन सारों को जो है इसी मिनिस्टर ने जो है अपॉइंट किया था। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो है रिवोल्ट सा हो गया, यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस हो गया, लेकिन जो है इस इन्फ्लुएंस की वजह से जो है किंगडम जो है काफी कमजोर होने लगी। तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो रूलर थे इसके बाद जैसे अवंता देवा जो है वो किंग बनते हैं, लेकिन ये भी जो है अपने साम्राज्य को जो है बचा नहीं सके। यहाँ पर 1076 नहीं होगा, 1068 होगा, इसे एक बार जो है वो करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये अपने साम्राज्य को जो है बचा नहीं सकते, यहाँ पर जो है करप्शन जो है बहुत ज्यादा थी, आगे हम पढ़ते हैं इसी के बारे में। तो इससे पहले मैंने कहा कि इनके भाई जो है वो राजा बनते हैं। तो जैसे ही जो है राजा की जो है डेथ होती है, साम्राज्य जो है उनका, उनके बेटे जो है हरी राजा जो है वो राजा बनते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत सिर्फ जो है 22 दिन तक चलती है। और यहाँ पर जो है कॉन्स्पिरेंसियां चल रही होती थी, तो उन्हें भी जो है मरवाया जाता है। और इसी के बाद जो है इनके भाई जो है अनंता, जो उस टाइम जो थे उतने अवेयर नहीं थे कैसे हुकूमत करनी थी, तो वो
राजा तो बनते हैं, लेकिन उनकी जो मदर थी श्री लेखा, जो कि इनको सपोर्ट करती थी, अपने बेटे को श्री लेखा जो है अनंता को जो है अनंता देवा को जो है वो सपोर्ट करती थी, और इसी की वजह से जो है वो खुद रीजेंट बन गई। रीजेंट बन गई मतलब नाइब बन गई, हुकूमत जो है खुद चलाने लगी। बेशक किंग जो थे वो अनंता थे, तो उनको जो है गाइडेंस पूरी देने लगी। तो यहाँ पर रहे याद, अनंता जो थे वो किंग, अनंता भी इनका नाम था, ऑल्सो नोन एज अनंता देवा। सो इट ही वॉज द किंग ऑफ द कश्मीर हु राइंड फॉर अबाउट 40 years, जिसने 40 साल तक जो है वो कितने हुकूमत की, जो करेक्ट होगा 1028 से 1068 से, पीछे ठीक कर लेना। और यहीं पर उन्हीं राजाओं में जो है 40 साल तक इसने हुकूमत की, मतलब 40 साल तक अनंता देवा की हुकूमत चली। तो इसका शुमार उन राजाओं में होता है जिसने कश्मीर में लॉन्ग टाइम तक हुकूमत की। तो याद रहे अनंता देवा जो थे इन्होंने 40 साल तक जो है वो हुकूमत की। सो फॉर द वेलफेयर वेलनेस ऑफ द स्टेट श्री लेखा बिकम द रीजेंट ऑफ द किंग। जैसा कि मैंने कहा, ये जो है किंग की जो है नाइब बन गई, मतलब उनकी जगह जो है वो काम करने लगी, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो देखने लगी। लेकिन ताज जो था वो किंग के ही पास था, क्योंकि वो उस टाइम जो थे अपनी एज में जो है बहुत छोटे थे, उनका उतना नॉलेज नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन का उतना एक्सपीरियंस नहीं था। सो किंग्स अनंतास एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, और इसी वक्त जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, बहुत ही ऑर्गेनाइज रही इनिशियल पीरियड में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो टॉप ऑफिशियल थे दे वर हाईली डिसऑनेस्ट एंड करप्टेड। तो ये पूरा का पूरा जो भी लोहराज डायनेस्टी था, ये टाइम पीरियड जो था इसमें करप्शन, डिसऑनेस्टी, इनजस्टिस, ये सारी चीजें जो थी वो थी, इसलिए एक अच्छा पीरियड नहीं माना जाता है। सो ग्रेजुअली हिज किंगडम रीच टू द अनस्टेबल पोजिशन, तो इसी वजह से इसकी किंगडम जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। और हिज फेलियर लेड टू द किंगडम टू गेट डिवाइडेड, खाली अनस्टेबल नहीं हो जाती है बल्कि जो है वो डिवाइड भी होती है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे कहा जाता है मांडलास, बहुत से मांडलास में जो है वो डिवाइड हो जाती है, मतलब मॉडर्न टाइम में हम बात करेंगे तो डिवीजन को कहा जाता है मांडलास। लेकिन क्या होता है, जो अनंता देवा की जो वाइफ होती है उसने सारे के सारे जो भी करप्ट ऑफिशियल थे उनको जो है ढूंढ ढूंढ के जो है उनको क्या किया, उन्हें जो है वो रिमूव कर दिया उनकी पोजीशन से। सो ही रिमूव्ड हिज वाइफ रिमूव्ड ऑल द डिसऑनेस्ट ऑफिशियल, जितने भी डिसऑनेस्ट ऑफिशियल थे उनको रिमूव कर दिया और उनकी जगह जो है वो नए जनों को जो है रिक्रूट कर दिया। ये किसने काम किया, उनकी वाइफ ने। अगर यहीं पर हम बात करते हैं उस टाइम जो है वो कमांडर इन चीफ जो थे वो कौन थे, तो कमांडर इन चीफ जो थे वो कौन थे, एक नाम पूछा कर जाएगा, त्रिभुवना। त्रिभुवना जो थे वो कमांडर इन चीफ थे अवंता देवा के। हिज फोर्सेस वर रिक्रूटेड फ्रॉम दामराज, और उसकी जो फोर्स थी, जो आर्मी थी, वो कहाँ से रिक्रूट की गई थी, किनको बनाया गया था उसकी आर्मी में, इंक्लूड किया गया था, किनकी भर्ती की गई थी, दामराज की। और ये दामराज जो थे वो कौन थे, दामराज वर फ्यूडल लैंडलॉर्ड ऑफ एंशिएंट कश्मीर। दामराज जो थे फ्यूडल लैंडलॉर्ड थे किसके, एंशिएंट कश्मीर के। और यहीं पर जो है एक बात याद रखेंगे, जो अनंता थे, अनंता देवा जो थे, किसके बेटे थे वो, श्री लेखा जो कि उनकी मदर थी, इन्होंने एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस से जो है वो शादी की। उस क्वीन का नाम था सूर्यमाती, और सूर्यमाती जो थी, जो कि इनकी वाइफ थी, इन्होंने ही करप्ट ऑफिशियल को क्या किया था, रिमूव किया था। और याद रहे जो ये सूर्या माता है, सूर्या माती जो थी सुभाता, और इनका नाम दूसरा सुभाता थी, ये कहाँ की थी, ये जो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू कांगड़ा है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के जो राजा थे उनकी बेटी थी। और इन्हीं से जो है इनका एक सन होता है जिसका नाम क्या है, कैलाशा, और कैलाशा भी कहा जाता है यहाँ पर जो है। लेकिन जो इनकी ये मदर थी, इनकी जो वाइफ थी, किसकी, अनंता देवा की। अनंता देवा की जो वाइफ थी वो कैलाशा अपने बेटे को जो है वो राजा बनाना चाहती थी अनंता की जगह, क्योंकि वो ये मानती थी जो अनंता देवा है, अनंता देवा जो है वो उसकी, उससे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ रही, और उसी वजह से वो खुद जो है अफेयर्स में जो थी
वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे उसमें जो है काम करने लगी, और उसने हायर ऑफिशियल जो थे, करप्ट ऑफिशियल थे, उनको रिमूव भी किया। लेकिन वो अपने बेटे जो है कैलाशा को सपोर्ट करती थी, उसे राजा बनाना चाहती थी, और इस वजह से जो था सूर्या माती जो थी, क्वीन जो थी, और अनंता देवा जो थे, इनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती रही, और जो है काफ़ी देर तक जो है वो लड़ाइयाँ भी चली। और इसी से तंग आते हुए जो अनंता थे, अनंता देवा थे, उन्होंने अनंता जो है थ्रस्ट अ डैगर थ्रू हिज एब्डोमन, अपने ही पेट में जो है वो चाकू मार लिया और अपनी लाइफ को जो है वो एंड कर दिया। तो यहाँ पर जो याद रहे, अनंता देवा जो थे उन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया। किस वजह से सुसाइड किया था? अपनी वाइफ जो थी उनसे जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। वो चाहती थी कि ये शासन जो है मैं अपने बेटे को कैलाशा को सपोर्ट करती थी उन्हें दूं। और यही इसी के बाद जो है अंपायर जो है वो अनस्टेबल होती रही। कैलाशा जो थे इनके फर्दर जो है दो बेटे होते हैं, एक का नाम उत्कर्षा है और दूसरे का नाम हर्षा है। देवर अनेबल टू गेट अलॉन्ग ड्यू टू दियर पर्सनल एगोस्टिक। और यहाँ पर जो है इनके बेटों में भी जो है वो लड़ाइयाँ होने लगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उनके बड़े बेटे जो थे एल्डरसन जो थे वो कौन थे? उत्कर्षा जो थे वो एल्डरसन थे, और उन्हें जो है वो किंग बनाया जाता था, बनाया गया। हाउएवर जो हर्षा वाज मोर कैपेबल, लेकिन ये माना गया जो हर्षा जो थे वो ज्यादा कैपेबल थे, वो ज्यादा विजनरी थे, तो कुछ जो थी उसे सपोर्ट करने लगे कि हर्षा को किंग बनाया जाए, और कुछ जो है उत्कर्षा के साथ थे, जो भी ऑफिशियल थे उस टाइम के कुछ उत्कर्षा के साथ थे और कुछ हर्षा के साथ थे। एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो है एक अनप्लीजेंट सिचुएशन आ गई, और एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन अरोज एंड द पीपल स्टूड अगेंस्ट देम, सो इट वाज अ क्रिटिकल सिविल वार। तो यहाँ पर भी जो है वो सिविल वार चलने लगी। अब दो भाइयों में भी जो है आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। तो एज अ रिजल्ट जो साम्राज्य था ये लोहारा डायनेस्टी और वीक होता गया, और इसी को देखते हुए एज अ रिजल्ट द पीपल्स एंगर, इसी की वजह से जो है लोगों में जो है वो काफी जो है सिविल वार जब चलने लगी, लोगों में गुस्सा था, और उन्होंने जो है क्वीन को जो है जिंदा जला दिया। क्वीन को जो है पैलेस में ही जिंदा जला दिया। हर्षा जो था वो अपनी जान बचाते हुए जो है वो सक्सेसफुली जो है वो वहां से भाग गया और अपने कुछ साथियों के साथ, लेकिन जो है उसे भी बाद में जो है वो मारा जाता है। लेकिन मारा जाता उससे पहले जो है एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये किंग तो बनता है। हर्षा स्टार्टेड आउट एज अ कैपेबल एंड नोबल किंग, जो है ये इनका जो शासन है वो अच्छा रहा उस टाइम। लेकिन जब ये बाद में जो है फाइनेंशियल ट्रबल में फंसे, तो इन्हें जो है और इनकी जो स्पेंडिंग की हैबिट थी, इनकी भी जो लाइफ थी वो इमोरल माना मानी जाती है, तो इनकी जो स्पेंडिंग की हैबिट थी वो उसकी वजह से जो है फाइनेंशियल ट्रबल में भी बचे। ऐश और आयाश जो है हर्षा थे, ऐश वाली जिंदगी जो है ये बसर करते थे। तो हर्षा जो है ही स्टार्टेड आउट एज अ कैपेबल एंड नोबल किंग, देन रैन इनटू द फाइनेंशियल ट्रबल बिकॉज ऑफ हिज स्पेंडिंग हैबिट। तो बाद में जो है इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश की, टैक्सेस बढ़ाए, लेकिन जो है ये अपने साम्राज्य को जो है बचा नहीं सके। तो यहीं पर जो है बाद में जो है इन्हें इन पे हमला करके, वाइफ को मार के, इनकी जो है उन्हें जला कर जो है ये अपनी लाइफ को है बचाते हुए जो भागे, लेकिन लास्ट पे जो है वो मारे गए। तो इनका शासन 1089 से लेकर 1101 तक रहा। और यहीं पर जो है इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे, जो कलहनास के फादर थे जिनका नाम जो था वो चम का था, कलहनास के जो फादर थे, कलहना कौन थे? वो थे जिन्होंने जो है वो राज तरंगनी लिखी थी। राज तरंगनी जो है 12th सेंचुरी में बुक लिखी गई कलहना के जरिए, जो कि हमको सोर्स है, हमारी सोर्स है, एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर का। और ये कहते हैं इनके जो कलहना के फादर थे वो मिनिस्टर रह चुके थे, हर्षा के कोर्ट में जो है वो मिनिस्टर थे। तो यहाँ से एक दो ही पॉइंट इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, मैं स्टोरी तो आपको बोल रहा हूँ लेकिन जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो सारे मैं रेड में जो है वो कर लेता हूँ। जैसे कि चंबी ये वाला पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि चंबक कलहना के फादर जो थे वो किसके कोर्ट में जो थे मिनिस्टर थे, किसके कोर्ट में थे? हर्षा के कोर्ट में थे। हर्षा का टाइम पीरियड जो है वो याद रख लेंगे। और यहीं पर जो है हर्षा जो थे वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रूलर रहे। ही डिस्ट्रॉयड बोथ हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट टेम्पल।
इनका रिलीजन भी जो है वो हिंदुज़म में ही बिलीव करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है बहुत से हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया और साथ ही जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय किया। और इन्होंने जो है एक ऑफिस भी ऐसा ही खोला जिसका नाम था दिवोत पताना नायका, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ द गॉड। एक अलग से ऑफिस बनाया और उस ऑफिस के जो ऑफिशियल थे उनका यही काम रखवाया गया कि जहां जहां टेम्पल आपको दिखते हैं जिस जिस लोकेलिटी में उनको जो है डिस्ट्रॉय करो। तो हर्षा विदिशन जो है भोजा वर मर्डर्ड, और हर्षा है बाद में जो अपने बेटे के साथ जब ये भाग रहा था इसका जो है वो मर्डर कर दिया गया। एंड थ्रोन ऑफ कश्मीर पास इनटू द हैंड्स ऑफ टू प्रिंसेस, और इसी के बाद दो प्रिंसेस को जो है थ्रोन कश्मीर का मिला। वो दोनों भाई थे जिनका नाम था उचाला एंड सुसाला। इनके दो भाई थे जिनका नाम क्या था, उचाला एंड सुसाला, जिनको जो है कश्मीर का जो है ताज पहनाया गया। और इनके बाद इन्हीं की हुकूमत लह रहती है। अब बहुत ज्यादा इंजस्टिस था, करप्शन थी, बहुत ज्यादा जो है कंडीशंस जो है वो खराब हो चुकी थी लोहारा डायनेस्टी की। और इसी टाइम जो है लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ज्वाइन द आर्मी, बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम जो है वो आर्मी को ज्वाइन करते हैं। टू कवर मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, और जो है बचा कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन थी अब इसको जो है इन एक अच्छी पोजीशन पे जो है ये है तैनात रहते हैं, जो कि उचाला और सुसाला ने जो है अब इनका शासन था। और लेकिन अभी भी जो है मुस्लिम रूल जो है वो नहीं आया, मुस्लिम रूल इसके 200 साल जो है बाद में आता है। लेकिन यहाँ पर जो है की पोजीशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव की पोजीशन थी जो है उस पे जो है इन जो है मुस्लिम्स का जो है वो इस वक्त जो है उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो इस पीरियड को जो है आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो यहीं पर हम पढ़ेंगे एन एबल रूलर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी में एक और इम्पोर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था जी सिम्हा, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा जाता है इनके बारे में। जयसीमा के लिए जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। जयसीमा यहाँ के एक इम्पोर्टेंट रूलर थे। हिज अर्ली डेज वर क्रिटिकल बिकॉज ऑफ द प्रिसीडिंग सिविल वॉर एंड द पोलिटिकल अनरेस्ट, जैसे कि यहाँ पर साम्राज्य में पोलिटिकल वॉर चल रही थी, पोलिटिकल अनरेस्ट था, सिविल वॉर थी। लेकिन जो जयसीमा जो है वॉज एबल टू मेंटेन हिज फर्म रूल फॉर 27 ईयर्स, ये 27 साल तक जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है ये रूल कर सके। और इनका रूल जो है एक अच्छा रूल माना जाता है। इन्होंने जो है इस टाइम भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में जो है मुस्लिम्स की पोजीशन रही, मिनिस्टर्स रहे, और इन्होंने जो है इन द किंग जो है जैसीमा जो थे दे रिपेयर्ड एंड रिस्टोर्ड मैनी टेम्पल्स एंड श्राइन्स, बहुत से टेम्पल को जो है इन्होंने जो है वो रिस्टोर किया और बहुत सी श्राइन्स को भी इन्होंने जो है रिस्टोर किया। और जैसीमा को ही जो है माना जाता है द ग्रेटर लास्ट रूलर ऑफ द हिंदू टाइम। जैसीमा जो है इट इज रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द हिंदू टाइम। लास्ट रूलर ऑफ द हिंदू टाइम नहीं कहा, क्या कहा, ग्रेटर रूलर ऑफ द हिंदू टाइम। लास्ट रूलर है बट ग्रेटर भी है। इसके बाद तो अभी हमने हिंदू रूल पढ़ना है, ये इसे क्यों कहा गया है लास्ट एंड ग्रेटर रूलर ऑफ द हिंदू टाइम, क्योंकि इसके बाद जो भी हिंदू रूल चला है उनके जो राजा थे बहुत ही वीक थे। और जो जयसिम्हा है इसने 27 साल तक जो है हुकूमत की, और इसीलिए इसको कहा जाता है लास्ट एंड द ग्रेटर रूलर कहा जाता है। तो जयसीमा वाज एबल टू एम्प्लॉय हिज मेथड ऑफ किंगशिप, तो यहाँ पर जो है जयसीमा ने जो है मैक्यूवेलियन प्लॉटिंग मैक्यूवेलियनिज्म को जो है अपनाया। मतलब इसने ये कहा कि अगर कोई भी है हमारे साम्राज्य में जो भी ट्रबल करेगा हुकूमत चलाने नहीं देगा तो हमें अपनी साम्राज्य को बचाने के लिए जो है कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। मतलब उसने दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश कर ली, जो भी जो है अपोज करता था या कोई भी ट्रबल पैदा करता था उसकी किंगडम में। सो जयसीमा वाज एबल टू इम्प्लाई हिज मेथड ऑफ किंगशिप विच रिलाइड ऑन डिप्लोमेसी एंड मैकवेलियन प्लॉटिंग। तो यहीं से आपका जो है दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहा है मैकवेलियन प्लॉटिंग के बारे में। मैकवेलियन प्लॉटिंग जो है वो किसने अपनाई, जयसीमा ने अपनाई।
और इसी का नाम कहीं कहीं जयसिंह भी लिखा गया है। ठीक है, तो याद रख लेना। तो जयसिमा जो थे, इन्होंने जो है मैकविलियन प्लॉटिंग, मैकविलियन अप्रोच को अपनाया। और मैकविलिज्म एक्चुअली में है क्या? इन साइकोलॉजी रेफर टू द पर्सनैलिटी ट्रेट विच सीज अ पर्सन टू फोकस ऑन देयर ओन इंटरेस्ट, कि अपने ही इंटरेस्ट पे फोकस करो। अब अपना इंटरेस्ट कैसे मिलेगा आपको, चाहे किसी को मैनिपुलेट करना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, किसी को एक्सप्लॉइट करना पड़े, या कोई और कोई भी तरीका ऐसा हो जिससे आपको अपना फायदा हो, आपको सिर्फ अपना फायदा ढूंढना है। तो जयसीमा की जो है वो यही अप्रोच रही, और इसी तरीके से 27 साल तक जो है वो शासन करता रहा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, दो बातें इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर लिखी जयसीमा के बारे में, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास जयसीमा के बारे में। हम जानते हैं दो ग्रेट हिस्टोरियंस ऑफ द कश्मीर, कल्हाना पंडित जो थे, इन्होंने कंप्लीट की अपनी राज तरंगिनी, ये जो बुक है राज तरंगिनी, जो किसने लिखी है, कल्हाना ने, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुतों ने की है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ए स्टेन है। और ये कहते हैं कि इसी टाइम में जो है, किस टाइम में लिखी गई, जयसीमा के टाइम में लिखी गई, हर्षा के टाइम में जो है, इनके फादर जो थे वो कोर्ट में थे एज अ मिनिस्टर, लेकिन जयसीमा के टाइम में जो कल्हाना पंडित है, इन्होंने राज तरंगिनी को जो है वो कंप्लीट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो जयसीमा वाज फॉलोड बाय हिज सन, जयसीमा के बाद जो है उनके बेटे कौन आते हैं, प्रामनुखवा आते हैं, एंड देन उसके बाद उनके जो है पोते आते हैं जिनका नाम है वनिता देवा, जिन्होंने 1165 से 72 तक जो है वो रूल किया। डेट में जो है कुछ जो है वो अलग अलग बुक्स में कुछ कुछ लिखा गया था, बट आपको यहाँ पर ये याद रखना है, इसे जो है लोहारा डायनेस्टी में जो है वो लास्ट रूलर जो है वो डिस्क्राइब किया गया, किसे, वनिता देवा को। वनिता देवा वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी के जो है वो लास्ट रूलर जो है माने जाते हैं, किसे एक माना जाता है, वनिता देवा को। तो यहाँ पर कुछ हमने इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इसमें ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर लिए। तो कौन कौन से इसमें जैसे क्वेश्चन है, कुछ मैं रिपीट कर लेता हूँ। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कल्हाना के बारे में, कि कल्हाना जो है वो जयसीमा के टाइम में जो है वो जो है कल्हाना को जयसीमा के टाइम में जो है वो क्या किया गया, कंप्लीट किया गया। ठीक है, फिर हमने वनिता देवा लास्ट रूलर ये पढ़ लिया हमने इसमें इंपॉर्टेंट। फिर हमने पढ़ा मैकविलियन प्लॉटिंग के बारे में, किसके टाइम में, जयसीमा के टाइम में, और इसी के बारे में हमने पढ़ा जयसीमा का रूल जो है वो 27 ईयर्स तक रहा। इससे पहले हमने पढ़ा हर्षा के कोर्ट में है चंपा का, जो कि है किसके फादर थे, कल्हाना पंडित के, ये पढ़ा। और हर्षा ने जो है वो डिवोटी पाटाना नायका बनाया, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ द गॉड्स बनाया, ये पढ़ लिया हमने। और इसी के बाद जो है मुस्लिम जो है ज्वाइन द आर्मी, और इसके 200 साल बाद जो है मुस्लिम रूल आता है। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहीं पर हमने पढ़ा कलाशा के बारे में, कि इनकी जो मदर थी सूर्या माती, जो कि अवंता देवा की जो है वो वाइफ थी, उनके बारे में पढ़ा। और अनंता देवा ने जो है अपना मर्डर किया, खुद ही जो है सुसाइड कर लिया, मर्डर नहीं सुसाइड कर लिया, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और फिर हमने पढ़ा मंडलास, यानी कि किंगडम की जो डिवीजन होती है किसके टाइम में होती है, अवंता देवा के। ठीक है, और यहाँ पर इससे पहले हमने जो है कुछ और भी पॉइंट्स पढ़े। ये सारे पॉइंट जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमने संग्रामा राजा का टाइम पीरियड भी देख लिया, हमने मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर इनका टूंगा उसके बारे में भी पढ़ लिया, इनके आर्मी चीफ जो है कमांडर इन चीफ उनके बारे में भी पढ़ा, के त्रिभुवना जो थे वो कमांडर इन चीफ थे। होपफुली जो है आपके लिए सारे के सारे पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, और आपको ये पॉइंट जो है वो आप इनको रिवाइज भी कर लेंगे। अभी तक आपने अगर हमारी इससे पुरानी वीडियोस जो है हमने हिस्ट्री पे जो जो अपलोड की है वो नहीं देखी, तो इससे पहले आप वो ज़रूर देखिए, क्योंकि जो है अब लास्ट पॉइंट इसका एंशंट और मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री का जो है एक ही पार्ट बचा है, जिसमें हमने हिंदू रूल के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद जो है हमारा मुस्लिम रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप जो है इन वीडियोस को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर जो है आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए यूजफुल है। और साथ ही जो है अभी हम ज्योग्राफी और जम्मू एंड कश्मीर पे जो है वीडियो अपलोड करने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगी आप सभी के लिए। हम प्रॉपर मैपिंग के साथ जो है ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट करवाएंगे।
So I hope this was a beneficial video for all of you. And I will really appreciate you if you will subscribe our YouTube channel and join us on Facebook page and Instagram pages. Thanks for watching.